what happened when you put a sample in a particular observing tube of NMR, the nuclei are randomly oriented. And since you know that nucleus containing charged particle, that is proton, and nucleus is also in motion. So due to motion of nucleus, there is a generation of magnetic field. And since there is a generation of magnetic field, so there is a net dipole moment, or there is a net direction. One is north and another is south. So initially, all the nuclei of your sample are in random orientation. And once you put these nuclei in the influence of external magnetic field, the randomness of these nuclei has been changed, and these nuclei are now well oriented, either oriented in the direction of magnetic field, this, or oriented in the opposite direction of magnetic field. So there is an alignment has been taken place. And once these nuclei are in a transition, when they provide radio frequency from the outer source. So as soon as we provide radio frequency, suppose 500 megahertz radio frequency humne provide ki us pure system ko, to kuch proton jo honge wo us field ke opposite direction mein align ho jayenge, kuch proton jo honge wo us field ke same direction mein align ho, और इन डायरेक्शन की वजह से दो प्रोटॉन स्पिन स्टेट डेवलप हो जाएगी. एक को हम कहेंगे अल्फा प्रोटॉन स्पिन स्टेट और दूसरे को कहेंगे बीटा प्रोटॉन स्पिन स्टेट. एंड वंस दीज टू प्रोटॉन स्पिन स्टेट्स हैज बीन ऑब्जर्व्ड, देयर इज अ ट्रांजिशन ऑफ प्रोटॉन फ्रॉम इट्स हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी. तो जो प्रोटॉन हायर एनर्जी में है वो कुछ एनर्जी को लूज करके लोअर एनर्जी में जाएंगे, और लोअर एनर्जी के कुछ प्रोटॉन एनर्जी को एक्वायर करके हायर एनर्जी स्टेट में मूव करें, और इन मूवमेंट की वजह से ही ट्रांजिशन डेवलप होता है, और इस ट्रांजिशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी की एनर्जी का एब्जॉर्प्शन हुआ है वो पीक के फॉर्म में एनएमआर पे रिकॉर्ड हो. सो ये जो पर्टिकुलर टेबल है यहाँ पे मैं शो करना चाह रहा हूँ आपको कि अगर हाइड्रोजन का न्यूक्लियाई है और आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड 1.4 टेस्ला का लगा रखा है, तो रेडियो फ्रीक्वेंसी मिनिमम 60 मेगाहर्ट्ज चाहिए ट्रांजिशन को क्रिएट करने के लिए. अगर इससे कम की एनर्जी हम देंगे तो कोई भी ट्रांजिशन ऑब्जर्व नहीं होगा. तो जैसे जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाते जाते हैं, हमें जो फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड है रेडियो एनर्जी की वो भी हमें बढ़ानी पड़ेगी. 14.1 टेस्ला का अगर आपने एनर्जी लिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड का, तो 1H न्यूक्लियस को रेजोनेंस में लाने के लिए आपको 600 मेगाहर्ट्ज की एनर्जी देनी पड़ेगी. 14.1 टेस्ला का एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो कार्बन न्यूक्लियाई को रेजोनेंस में लाने के लिए आपको 151 मेगाहर्ट्ज की एनर्जी देनी पड़ेगी. तो कार्बन के न्यूक्लियाई लेसर एनर्जी में ही ट्रांजिशन शो करते हैं, जिसकी वजह से कार्बन से एसोसिएटेड पीक्स हैं वो बहुत ज्यादा शार्प नहीं होते, जबकि हाइड्रोजन से एसोसिएटेड जो स्पेक्ट्रा आप देखेंगे दे आर लिटिल बिट शार्पर एज कंपेयर्ड टू स्पेक्ट्रा ऑफ सी. हाँ, जैसा कि हमने बात किया था आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में कि केवल उन्हीं मॉलिक्यूल का आईआर स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा जो मॉलिक्यूल इंफ्रारेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद अपने डाइपोल मोमेंट में चेंजेस ऑब्जर्व करने के. मींस योर मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सिमेट्रिक. सिमिलरली जब आप एनएमआर के थ्रू कोई एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपके सैंपल में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए कि हमें उसका एनएमआर मिले. अगर मास नंबर आपके सैंपल का ऑड है और एटॉमिक नंबर ऑड है, तो जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो हाफ इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा. स्पिन क्वांटम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, दैट इज नॉट द इश्यू ऑफ दिस सब्जेक्ट.
I am just want to say what kind of integer has been going to be developed. So agar mass number odd hai, atomic number odd hai, so aise case mein spin quantum number half integer ke form mein develop hoga, 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 7 by 2, etc. Agar mass number odd hai, atomic number even hai, spin quantum number again half integer ke form mein develop hoga. Mass number agar even hai aur atomic number even hai, spin quantum number ki value zero ho jayegi. Aur aise case mein aapko koi bhi NMR signal nahi milega. C12 carbon ka jo isotope 12 hai, uska koi bhi hame NMR spectra nahi milta. Oxygen ka jo isotope 16 hai, usse associated hame koi bhi NMR spectra nahi milta. अगर मास नंबर इवन है और एटॉमिक नंबर ऑड है तो ऐसे केस में इंटीजर वैल्यू हमें मिलती है इसमें क्वांटम नंबर की और हमें एनएमआर स्पेक्ट्रा मिल पाता है. तो जो इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है वो ये है कि आपके मॉलिक्यूल का मास नंबर और एटॉमिक नंबर, जिस भी एटम की आप एनालिसिस कर रहे हैं उस एटम का मास नंबर और एटॉमिक नंबर कभी भी इवन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये इवन की कंडीशन में आएंगे तो स्पिन क्वांटम नंबर जो आप कैलकुलेट करेंगे इसके लिए वो वैल्यू जीरो हो जाएगी. बाकी इन थ्री केस में आपको एनएमआर सिग्नल ऑब्जर्व होंगे, बट द केसेस वेयर मास नंबर इज ऑड एटॉमिक नंबर इज इवन एंड द केसेस वेयर मास नंबर इज इवन एंड एटॉमिक नंबर इज ऑड द स्पेक्ट्रा आर वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. सो फॉर प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू this particular system is best suited for the purpose of analysis. Odd-odd system and odd-even system. Odd-even system में हम carbon 13 का NMR spectra लेते हैं, odd-odd system में हम proton का NMR system develop करते हैं. So, this kind of signal you observe in an NMR spectra. Every signal which we found in an NMR spectra is calculated in terms of a reference compound. So the peak here you observe is for a reference compound which is called TM, that is tetramethylsilane. So reference compound ko hamesha hum apne sample mein incorporate kar dete hain aur uske baad apne sample ka NMR spectra hum lete. रिफरेंस कंपाउंड जैसे हमने टीएमएस यहाँ पे लिया हुआ है, इसका जहाँ पे भी पीक आएगा उसको आर्बिट्ररी हम जीरो वैल्यू असाइन कर देते हैं और टीएमएस के रिफरेंस में कोई भी पर्टिकुलर सिग्नल जिस पोजीशन पे मिलता है हमें उसे पीपीएम यूनिट में, पार्ट पर मिलियन यूनिट में प्लॉट किया जाता है. तो अगर आपका न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन से बहुत ज्यादा शील्डेड है, आपके न्यूक्लियस के सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल बहुत ज्यादा है, तो वो शील्डेड न्यूक्लियाई कहलाएगा और उसका सिग्नल जो होगा वो टीएमएस के क्लोजर होगा. और आपके न्यूक्लियस में अगर किसी तरह से डी शील्डिंग ऑब्जर्व होती है, मींस आपके मॉलिक्यूल के साथ सपोज हमने कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया है, सपोज CH3Cl, तो CH3Cl लगाने पे क्या होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो है वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन को पुल कर लेंगे अपने डायरेक्शन में, और जब इलेक्ट्रॉन पुल हो जाएगा कार्बन से तो कार्बन को हम क्या कहेंगे, द कार्बन इज डी शील्डेड इन नेचर. और जैसे ही डी शील्डिंग होगी जो सिग्नल होगा ऐसे कंपाउंड का वो टीएमएस से दूर होता जाएगा. शील्डेड न्यूक्लियाई के सिग्नल टीएमएस के क्लोजर होते हैं, डी शील्डेड न्यूक्लियाई के सिग्नल टीएमएस से दूर होते चले जाते हैं. This is the instrumentation part. I am not going into the detail of this instrumentation section. Yes, this diagram is important. Why I am showing here? Whenever you enter in an NMR instrument room, you never found metallic chairs or metallic tables, because in NMR we are using higher magnetic field, and due to presence of these magnetic field, if a metallic system has been placed in the cabin, there is a chances of accident has been occurred. That's why there is no metallic system in NMR cabin.
solvent requirements. Yes, this is important one. जैसा कि आपने देखा, जब हम यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में सैंपल प्रिपरेशन करते हैं तो वहां पे सैंपल इन जनरल ऐसे सॉल्वेंट में बनाया जाता है जो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब ना करे, क्योंकि अगर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया आपके सॉल्वेंट ने तो हम ये फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे कि सैंपल ने एक्चुअल एब्जॉर्प्शन कितना किया। सिमिलरली जब हम बात करते हैं आईआर की, तो वहां सैंपल को बनाने के लिए अगर सॉलिड फॉर्म में सैंपलिंग करनी है तो या तो हम मोजॉल मिनरल ऑयल को यूज करते हैं या तो केबीआर को हम यूज करते हैं अगर डिस्क हमें डेवलप करनी है। तो हमने बात की कि अगर जब भी हम सैंपलिंग कर रहे हैं और आईआर में आपने सैंपल अपना प्रिपेयर किया, हम जो सॉल्वेंट यूज करते हैं वो डायरेक्टली आप सैंपल होल्डर के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, देयर इज नो नीड टू डिसॉल्व लिक्विड इन अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन सिस्टम। बट व्हेन यू आर यूजिंग सॉलिड, रिक्वायरमेंट इज दैट आइदर यू मिक्स इट विद केबीआर और विद मोजॉल सॉल्यूशन। सिमिलरली व्हेन यू यूज your sample for the analysis of NMR, the solvent system chosen must be such that which do not contain any kind of proton in its system when you are going to perform 1H NMR or proton spectroscopy, because the signal will also create proton associated. That's why we choose the solvent system which is devoid of proton. तो किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में जो सैंपलिंग है दैट इज इम्पॉर्टेंट, किस तरह के सॉल्वेंट सिस्टम को एनालाइज करें। और सीधा सा फंडामेंटल ये होता है कि जिस चीज को हम एनालाइज करना चाहते हैं वो चीज हमें पीक के फॉर्म में ऑब्जर्व होकर के मिलनी चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा पीक इंप्योरिटी। तो यूजुअल सॉल्वेंट जो हम एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं वो कार्बन टेट्राफ्लोराइड है, CCl4, देयर इज आल्सो नो प्रोटॉन, कार्बन डाइसल्फाइड नो प्रोटॉन, ड्यूटेरियो क्लोरोफॉर्म नो प्रोटॉन, हेक्सा ड्यूटेरियो बेंजीन नो प्रोटॉन, ड्यूटेरियम ऑक्साइड नो प्रोटॉन, ड्यूटेरिएटेड डाइमिथाइल सल्फोक्साइड दैट इज DMSO। तो सभी सॉल्वेंट में आपने देखा कि हमने प्रोटॉन को अवॉइड किया हुआ है, एंड दीज सॉल्वेंट्स हैविंग गुड सॉल्युबिलिटी प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई वी चूज दीज एज अ सॉल्वेंट फॉर आवर NMR एक्सपेरिमेंट। यूजुअली 30 टू 70 मिलीग्राम कंपाउंड की हमें नीड होती है जिसको हम 0.2 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं NMR ट्यूब में। इट इज जस्ट लाइक योर टेस्ट ट्यूब बट द डायमीटर इज वेरी मच लेस एज कंपैरिजन टू योर जनरल टेस्ट ट्यूब, हैविंग अ डायमीटर ऑफ ऑलमोस्ट 5 ml। NMR signal in various compounds. तो जैसा कि आपने IR में देखा था कुछ specific reason थे जिनके basis पे हम अपने signals को identify करते हैं, वैसे ही NMR signals को भी हम identify करते हैं on the basis of these position. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं zero value. Zero means this is the position for reference compound, जैसे कि TMS लेकर के हम चलते हैं तो TMS के क्लोजर जो भी सिग्नल होंगे उन्हें हम क्या कहेंगे, अपफील्ड, और TMS से जितने भी दूर जाते हुए सिग्नल्स होंगे उन्हें क्या कहेंगे, डाउनफील्ड। तो इन जनरल एलिफैटिक कंपाउंड, ट्रिपल बॉन्ड एसोसिएटेड कंपाउंड्स, हैलोजन एसोसिएटेड कंपाउंड, OH NH एसोसिएटेड कंपाउंड्स, दीस प्रोड्यूसेस देयर NMR सिग्नल इन अपफील्ड रीजन। एरोमेटिक्स, एल्डिहाइड्स एंड एसिड्स, they produce their signal in downstream. So, अगर आपके पास सिंपल एल्केन है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या टर्शियरी हो, उसका जो ppm वैल्यू मिलेगा वो 1 से 2 के बीच में होगा। अगर ट्रिपल बॉन्ड से एसोसिएटेड कंपाउंड है
तो 223 ppm यूनिट में जो कि है उसका आपको सिग्नल होता हुआ मिलेगा। हैलोजेंस अगर लगे हुए हैं तो वो 3-5 ppm के बीच में जो कि आपको सिग्नल उनसे एसोसिएटेड मिलेगा। इसी तरह एल्कीन से एसोसिएटेड जो सिग्नल है वो 5-7 ppm के बीच में मिलता है। 7-8 ppm के बीच में एरोमेटिक रिंग से एसोसिएटेड प्रोटॉन के सिग्नल। दिस रीजन इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। कभी भी अगर 1H NMR स्पेक्ट्रम में आपको 7 के लोकेशन पे मल्टीप्लेट्स मिल रहे हैं, सिग्नल मिल रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा कि आपके सैंपल में एरोमेटिसिटी प्रेजेंट है, एरोमेटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। कोई भी सिग्नल बियॉन्ड 9 आपको मिल रहा है तो वो एल्डिहाइड एसोसिएटेड प्रोटॉन हो सकता है या कार्बोक्सिलिक एसिड से एसोसिएटेड प्रोटॉन हो सकता है। और 6 से लोअर पोजीशन में है सिग्नल तो वो एल्कीन या एल्काइन से एसोसिएटेड हो सकते हैं, और 2.5 से भी लोअर पोजीशन पे है और वो एल्कीन से एसोसिएटेड सिग्नल। तो ये एक जनरल टेबल है जिसके बेसिस पे हम पीक्स फाइंड आउट करके एक जनरलाइजेशन डेवलप करते हैं कि किस पोजीशन पे सिग्नल मिल रहा है तो उस किस चीज की पॉसिबिलिटी डेवलप कर सकते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट रीजन है वो एरोमेटिक का है, 7-8 के बीच में। 3 के बिलो अगर सिग्नल है तो एल्काइल ग्रुप से एसोसिएटेड हो सकता है। 3-6 के बीच में सिग्नल है तो वो एल्कीन से एसोसिएटेड या हैलोजिनेटेड एल्काइल ग्रुप हो, और अगर 8.5 के बियॉन्ड सिग्नल मिल रहा तो वो एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड से एसोसिएटेड हो सकता है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग केमिकल्स से तो आपने जनरल लोकेशन देखे सिग्नल के कि किस किस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें सिग्नल मिलता है। उस लोकेशन से हमने देखा कि जनरल सिग्नल हमारे पास यहाँ आना चाहिए, लेकिन वहां से शिफ्टिंग भी सिग्नल की ऑब्जर्व हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन व्हाट कंडीशन देयर इज प्रेजेंट। कंडीशंस में क्या क्या हो सकता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मैग्नेटिक एनिसोट्रॉपी एंड वंडरवॉल डी शेप। अब इनको हम वन बाय वन देखते हैं क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इफेक्ट, द केमिकल शिफ्ट सिंपली इंक्रीजेस एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द अटैच्ड एलिमेंट इंक्रीजेस। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली बताया था कि अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ता है, CH3Cl का एग्जांपल लेकर, तो वो एटम को क्या कर देता है, डी शील्डेड कर देता है, और डी शील्डिंग जितना ज्यादा होगा कोई भी सिग्नल उतना ही ज्यादा डाउन फील्ड पोजीशन पे हमें मिलता है। तो यहाँ पे डिफरेंट कंपाउंड्स हम देख रहे हैं, C3F मीन हाइड्रोजन को हमने रिप्लेस कर दिया F से, फिर OH से, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट नहीं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे इस CH4 से अगर हम ऑब्जर्व करें तो 4 हाइड्रोजन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट जीरो होती है, तो सिग्नल हमें मिला 2.1। जैसे ही आयोडीन यहाँ आ गया, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सिग्नल शिफ्ट कर गया 2.5 पे। जैसे ही यहाँ पे Br से सब्स्टिट्यूशन कराया हमने, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और ज्यादा है, सिग्नल शिफ्ट कर गया 2.8। जब हमने फ्लोरीन इनकारपोरेट कर दिया हाईएस्ट इलेक्ट्रोन पोजिशन पे तो सिग्नल शिफ्ट हो गया 4.0। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर आपके मॉलिक्यूल के साथ कंबाइंड करेगा तो यूजुअल पोजीशन पे जो पीक आपको मिलनी चाहिए वो वहां पे नहीं मिलेगी, दैट पीक विल बी शिफ्ट टू स्लाइटली डाउनफील्ड लोकेशन। और डाउनफील्ड कितना होगा ये डिपेंड करेगा उस एलिमेंट के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे जो आपके मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। सिमिलरली अगर मल्टीपल सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट को डेवलप करते हैं, जितने ज्यादा मल्टीपल क्लोराइड या ब्रोमाइड अटैच होंगे वो उतना ही ज्यादा सिग्नल को डाउनफील्ड कर देंगे। जैसे इस केस में हम देखें, यहाँ पे सिंगल क्लोरीन है, 3.05 ppm पे आपको सिग्नल मिल रहा, क्लोरीन एटम 2 यहाँ पे आ गए, 5.30 पे ये सिग्नल चला गया, रिप्लेस हो गए, सिग्नल जो है प्रोटॉन का वो 7.27% का। जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती जाएगी या नंबर ऑफ एटम्स
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो अटैच होते जाएंगे, वैसे वैसे सिग्नल डाउनस्ट्रीम पोजीशन पे मूव करता है। सेकंड, डिस्टेंस का किस तरह से इफेक्ट होता है उस पर भी हम देखें। जो पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के क्लोजर कार्बन पे होगा उस पे डाउनफील्डिंग सबसे ज्यादा आएगी, और जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ती जाएगी जो डाउनफील्डिंग होगी वो कम होती जाएगी। Pr इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो अल्फा पोजीशन का जो कार्बन है वो 3.4 ppm वैल्यू पे इसका सिग्नल मिलेगा, बीटा कार्बन से एसोसिएटेड प्रोटॉन का सिग्नल 1.7 ppm पे मिलेगा, गामा से एसोसिएटेड कार्बन का जो सिग्नल है वो 1.3 ppm पे मिलेगा, और डेल्टा से एसोसिएटेड प्रोटॉन का जो सिग्नल है वो 0.9। सो दिस रिप्रेजेंट्स दैट एज सून एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड, सिग्नल अपीयर्स मोर अपफील्ड लोकेशन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के जितना क्लोजर प्रोटॉन होंगे वो उतने ज्यादा डाउनफील्ड लोकेशन पे होंगे, जितना दूर प्रोटॉन होगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से उसका सिग्नल उतना ही अपफील्ड लोकेशन पे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस तरह से अफेक्ट करते हैं? एट हाई डाइल्यूशन नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सो हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब नियर 0.5 टू 1 ppm, इन कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन देयर एब्जॉर्प्शन इज क्लोजर टू 4 टू 5 ppm। सो यूजुअल लोकेशन जो प्रोटॉन की है, जैसे मैंने बताया था कि प्रोटॉन का इन जनरल पीक अल्कोहल से एसोसिएटेड जो प्रोटॉन है वो 8 ppm के बियॉन्ड आपको मिलता है। 8 ppm के बियॉन्ड आपको पीक मिलना चाहिए, लेकिन डिपेंड करेगा कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है वो कैसा है। अगर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है तो 1 ppm के नियर बाय जो कि है वो डाउनफील्ड पोजीशन पर सेट कर जाएगा, अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो 4 टू 5 ppm के डाउनफील्ड उसकी सेटिंग। ये यूजुअल वैल्यूज हैं, एसिड से एसोसिएटेड जो प्रोटॉन होते हैं 1 ppm पे शो करते हैं अपने सिग्नल को, फिनॉल से एसोसिएटेड जो प्रोटॉन होंगे 4 टू 7 ppm पे उसके सिग्नल आपको मिलेंगे, एल्कोहल से एसोसिएटेड जो प्रोटॉन होंगे 5 टू 0.5 ppm के रीजन में आपको सिग्नल देंगे, अमीन से एसोसिएटेड जो प्रोटॉन्स होंगे वो भी 5 टू 0.5 के रीजन में सिग्नल्स को प्रोड्यूस करते हैं। मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी, मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी को हम स्पेस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली मैग्नेटिक एंड आइसोट्रॉपी है क्या? अगर हम किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें, सपोज बेंजीन, तो आप सभी को पता है कि बेंजीन का स्ट्रक्चर प्लेनर होता है, उसके अबव और बिलो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड पाया जाता है। अगेन जो नॉन साइंस बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं उनके लिए थोड़ी डिफिकल्टी होगी, लेकिन यहाँ आपको नहीं जाना है उतना डिटेल में, जैसे कि मेरा एम्फेसिस है वो साइंस स्टूडेंट के लिए है। जो भी साइंस के स्टूडेंट हैं वो वेरी वेल इस चीज को जानते हैं कि जो बेंजीन का न्यूक्लियस होता है उसमें 3 पाई बॉन्ड्स होते हैं जो सर्कुलेटिंग कंडीशंस में होते हैं, और इन सर्कुलेशन की वजह से अबव एंड बिलो द प्लेन देयर इज अ जनरेशन ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो सराउंडिंग फील्ड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है। किसी मॉलिक्यूल में जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उस मॉलिक्यूल के सराउंडिंग में होगा उसका मैग्नेटिक फील्ड रिजोनेंस में लाने के लिए उतना ही एक्सटर्नल हायर मैग्नेटिक फील्ड हमें देना पड़ता है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो जिस तरह से हमने शील्डिंग डीशील्डिंग की बात की थी, अगर इलेक्ट्रॉन की वजह से क्लाउड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मॉलिक्यूल के एटम तक एंटर करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा तो मॉलिक्यूल में शील्डिंग ऑब्जर्व होगी, शील्डिंग की वजह से, और अगर डी शील्डिंग किसी हो रही है तो उससे एसोसिएटेड जो भी सिग्नल होंगे वो डंप हो जाएंगे। लेकिन स्पेस इफेक्ट हमने इसलिए इसका नाम दिया है
कि बेंजीन मॉलिक्यूल अगर सॉल्यूशन में होगा तो मींस एक बार हो सकता है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो जहां कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा एक्सटर्नल फील्ड का, और जैसे जैसे ये वर्टिकल पोजीशन में आता जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड के लाइंस को उतना ही ज्यादा डिस्टर्ब कर देगा, जिसकी वजह से इसका जो सिग्नल है वो डाउन फील्ड कंडीशन में मूव करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट इज द स्पेस ओरिएंटेड इफेक्ट व्हिच इज ऑपरेटेड व्हेन सच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड इनसाइड सॉल्यूशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बेंजीन का न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अबव और बिलो प्लेन में जो कि है सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और उन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इस तरह का सर्कुलेटेड मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होता है, जिसकी वजह से ये जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है जो हम NMR के मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हम मैग्नेटिज्म जनरेट करते हैं वो इसका अपोज करता है। तो डिपेंडिंग अपॉन कंडीशन ऑफ बेंजीन वेदर इट इज हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल समटाइम्स it is shielded the protons and in some times it de-shielded the protons. So shielding or de-shielding का जो average result होता है उसकी वजह से usual position से sometimes protons have been migrating. Similarly it is having with the acetylene also. Yes, this is important to understand the spectra of NMR, that is spin-spin coupling or splitting of signal. चलिए हम देखते हैं कि इसके बेसिस पे हम किस तरह से NMR सिग्नल को आइडेंटिफाई करते हैं। Suppose आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जो इस सिस्टम को फॉलो अप कर रहा है, ये क्या है, दिस इज सपोज CH3 और उसके साथ यहाँ पे CH प्रेजेंट है। तो जब भी किसी पर्टिकुलर सिस्टम पे एक हाइड्रोजन होगा हमेशा इसकी NMR में जो पीक आपको मिलेगी वो सिंगलेट के फॉर्म में ऑब्जर्व होती है, वेरी सिंगल पीक। जैसे ही दो हाइड्रोजन आ जाएंगे तो इस कार्बन से एसोसिएटेड एक हाइड्रोजन है और इस कार्बन से जस्ट अटैच्ड कार्बन पे एक दूसरा हाइड्रोजन है, तो नियर बाई टू कार्बन्स पे दो हाइड्रोजन है, इनका जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो N+1 रूल से गवर्न होगा। व्हाट इज N+1 रूल, किसी भी प्रोटॉन से एसोसिएटेड कार्बन को हम देखते हैं कि वो नेबर बाई ऐसे कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है जो प्रोटॉन को कंटेन करते हैं। तो इस कार्बन के प्रोटॉन को अगर हम देखें ये नेबर बाय इस कार्बन से जुड़ा हुआ है जो सिंगल प्रोटॉन को कंटेन कर रहा है, तो नेबर कार्बन पे सिंगल प्रोटॉन है, n की वैल्यू 1 हुई और 1+1 2 मींस इस CH से एसोसिएटेड जो सिग्नल हमें मिलेंगे वो टू पार्ट्स में स्प्लिटेड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप जो सिग्नल हमें मिल रहा है वो टू पार्ट में स्प्लिटेड है और ऐसे सिग्नल को हम कहते हैं डबलेट। देयर इज अ सिंगल सिग्नल व्हिच इज स्प्लिटेड इन टू पार्ट, सो इट इज कॉल्ड डबलेट। सिमिलरली ये जो CH है इस केस में आप देख रहे हैं कि नेबर कार्बन से अटैच्ड है जिसके पास दो प्रोटॉन है, तो नेबर कार्बन पे ओवरऑल प्रोटॉन की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू हुई 2 2+1 3। तो अब इस प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा वो 3 पार्ट्स में स्प्लिटेड होगा, अब इसे हम कहेंगे ट्रिपलेट। सिमिलरली ये जो प्रोटॉन है इस केस में क्या है, नेबर कार्बन से जो जुड़ा हुआ है उसके पास 3 प्रोटॉन है, तो 3 प्रोटॉन का मतलब n की वैल्यू 3 3+1 4। तो इस ब्लू प्रोटॉन का जो सिग्नल होगा वो 4 पार्ट में स्प्लिटेड होगा और यहाँ पे ये जो सिग्नल हमें मिलेगा वो क्वाड्रेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। दो स्प्लिटेड सिग्नल के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट होता है एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटॉन के लिए, और इनके डिस्टेंस को हम जे वैल्यू कहते हैं एंड दैट इज कॉल्ड कपलिंग कांस्टेंट वैल्यू। सेकंड थिंग, ये जो स्प्लिटेड सिग्नल आप देख रहे हैं इन स्प्लिटेड सिग्नल की इंटेंसिटी भी इंपॉर्टेंट होती है।
अगर डबलेट बन रहा तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको मैंने कहा ये कांस्टेंट होता है, इसे हम क्या कहते हैं, कपलिंग कांस्टेंट, एंड इट इज डिनोटेड विद जे। सिमिलरली ये जो हाइट है, ये हाइट भी अपनी इंपॉर्टेंट रखती है। यहाँ पे दोनों सिग्नल आप देख रहे हैं जो स्प्लिटेड है वो सेम हाइट के, मींस वी कैन से दे हैविंग सेम इंटेंसिटी। तो डबलेट जब भी बनेगा वो 1:1 के फॉर्म में स्प्लिट होगा, मीन दोनों ही पीस की इंटेंसिटी सेम होगी। ट्रिपलेट जब भी बनेगा वो 1:2:1 की इंटेंसिटी को फॉलो करेगा, मींस मिडिल का जो सिग्नल होगा वो बगल के दोनों सिग्नल के कंपैरिजन में 2 times होगा। इसी तरह क्वार्टरेट जब भी बनेगा ये 1:3:3:1 के फॉर्म में होगा, मींस मिडिल के जो सिग्नल होंगे वो साइड सिग्नल के रेशियो के 3 times इंटेंसिटी में हाइयर होगा। तो सिग्नल का जो भी स्प्लिटिंग पैटर्न है, whether it is doublet, triplet और quadrate, ये Pascal's triangle के रूल को फॉलो करते हुए सिग्नल इंटेंसिटी को डेवलप करते हैं। तो डबलेट में सिग्नल इंटेंसिटी सेम होगी, ट्रिपलेट में मिडिल की जो इंटेंसिटी होगी वो साइड सिग्नल का 2 times होगा, क्वाड्रेट में 1:3:3:1 के फॉर्म में स्प्लिटिंग। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्प्लिटिंग पैटर्न वी कैन फाइंड आउट व्हाट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी प्लेस्ड ऑन द एडजेसेंट कार्बन। चलिए यहाँ पे देखें, ये इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। ये जो मॉलिक्यूल है हमारे पास, दैट इज CH3CH2Br, इट इज कॉल्ड इथाइल ब्रोमाइन। CH3CH2Br, अब यहाँ पर देखें हम, ये जो इथाइल मॉलिक्यूल है इसके प्रोटॉन को, मिथाइल मॉलिक्यूल, इसके प्रोटॉन को हमने ब्लू हाइड्रोजन से मेंशन किया है, और जो CH2 है इसे हमने रेड से मेंशन किया है। तो इस कार्बन पे जिसको हमने CH2 बताया हुआ है, ये प्रोटॉन एक एनवायरनमेंट में है। प्रोटॉन का एनवायरनमेंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके नेबर कार्बन या उसके एडजेसेंट एटम किस तरह के, इन दोनों प्रोटॉन के राइट हैंड साइड में ब्रोमीन है, लेफ्ट हैंड साइड में CH3, ये दोनों प्रोटॉन कैसे हुए एक एनवायरनमेंट में। इन CH3 की अगर हम बात करें तो एक हैंड साइड में जो की है CHBr है, दूसरी तरफ कुछ भी नहीं, ये तीनों ही प्रोटॉन एक एनवायरनमेंट में। टू डिफरेंट प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट, तो NMR में हमें कितनी सिग्नल मिलनी चाहिए, 2 signals मिलनी चाहिए। यहाँ नीचे आप इसका NMR स्पेक्ट्रा देख रहे हैं, This is the signal for TMS, which is for reference. एक सिग्नल आपको ये दिखाई दे रही है जो triplet के फॉर्म में दिख रहा है, एक सिग्नल आपको ये दिख रही है जो quadrate के फॉर्म में दिख रहा है। दो सिग्नल है हमारे पास, दो प्रोटोन सिग्नल का मतलब है कि जो भी आपका मॉलिक्यूल है उसमें 2 different kinds of proton environment present. अब हम ये कैसे पता करेंगे कि ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो किससे बिलोंग करेगा, ये जो पर्टिकुलर सिग्नल है वो किससे बिलोंग करेगा। अगर इस रीजन के सिग्नल की हम बात करें जो ट्रिपलेट बना रहा है, तो अगेन हम जाएंगे N+1 रूल पे। अगर हम CH2 को देखें, ये CH2 मॉलिक्यूल, CH2 एटॉमिक पार्ट, ये किससे जुड़ा हुआ है, CH3 से, मींस CH2 के नेबरिंग कार्बन पे कितने प्रोटॉन है, 3। तो हम N+1 रूल फॉलो करेंगे, N+1 लगाएंगे, N की वैल्यू 3, 3+1 4, तो CH2 का जो भी सिग्नल है वो 4 parts में स्प्लिटेड होना चाहिए, मींस CH2 मस्ट प्रोड्यूस क्वार्टरेट। यहाँ पे आप देख रहे हैं क्वार्टरेट सिग्नल, दिस सिग्नल बिलोंग्स टू दिस क्वार्टरेट, बिलोंग्स टू दिस CH2। अब इस CH3 की बात करें, इस CH3 जो है वो नेबरिंग जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसमें कितने प्रोटॉन है, 2 protons है, N की वैल्यू कितनी हुई, 2, और N+1 रूल हम फॉलो करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3। CH3 की वजह से जो भी सिग्नल हमें मिलेगा वो 3 parts में स्प्लिटेड होगा और ये ट्रिपलेट को प्रोड्यूस करेगा। इस सिग्नल को अगर आप देखें यहाँ पे, इन ट्रिपलेट फॉर्म 1, 2, 3, तो ट्रिपलेट जो मिल रहा है वो इस CH3 की वजह से है, क्वार्टरेट जो मिल रहा है वो इस CH2 की वजह से। तो इस तरह से NMR सिग्नल के बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कौन सा पर्टिकुलर सिग्नल किस ग्रुप से एसोसिएटेड हो, व्हाई दी सिग्नल आर गोइंग टू बी स्प्लिटेड टू प्रोटॉन प्रोटॉन इंटरैक्शन।
ठीक है, कपलिंग कांस्टेंट के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर रखी है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ कपलिंग कांस्टेंट, न्यूक्लियर मैग्नेटिक डबल रिजोनेंस और स्पिन डीकपलिंग, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टेक्निक ऑफ एनएमआर। अब न्यूक्लियर स्पिन डीकपलिंग क्या है इसको भी समझ लीजिए। ये जो पर्टिकुलर ए पार्ट का स्पेक्ट्रा है, दिस इज द जनरल स्पेक्ट्रा, ठीक है, और ये स्पेक्ट्रा किसकी वजह से है, ब्रोमोप्रोपेन की वजह से। और जैसा मैंने आपको एन प्लस वन रूल समझाया हुआ है, उस रूल के अकॉर्डिंग अगर हम चले तो SCS3 का जो भी सिग्नल है वो किस पे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, इसके नेबरिंग कार्बन पे जितने प्रोटॉन है उससे एक ज्यादा में वो स्प्लिटेड होना चाहिए। C3 के नेबर में है CH2, दो प्रोटॉन है यहाँ पे, एन प्लस वन रूल लगाएंगे, थ्री हो जाएगा, मींस C3 का सिग्नल थ्री पार्ट में स्प्लिटेड होना चाहिए, ट्रिपलेट देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ट्रिपलेट की कंडीशन, एक इस लोकेशन पे ट्रिपलेट आपको दिख रही है और दूसरे ट्रिपलेट की जो लोकेशन आप देख रहे हैं वो इस लोकेशन पे आपको दिख रही है। अब कैसे हमें पता चले कि कौन सा ट्रिपलेट किससे बिलोंग करेगा, तो मैंने आपको बताया कि ब्रोमीन से, ब्रोमीन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और ये कार्बन से जुड़ा रहेगा, उस कार्बन में सबसे ज्यादा डी शील्डिंग होगी और सबसे ज्यादा डी शील्डिंग होगी तो इसका सिग्नल सबसे ज्यादा डाउन फील्ड पोजिशन पर मिलेगा। सबसे दूर जो ट्रिपलेट मिल रहा है वो किसका होगा, अल्फा कार्बन के CH2 का, सबसे पहले जो ट्रिपलेट मिल रहा वो किसका होगा, गामा कार्बन के CH2, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट हो गया गामा कार्बन से एसोसिएटेड। अब बीटा कार्बन के प्रोटॉन की बात करें, बीटा कार्बन का जो प्रोटॉन है वो नेबर बाई अल्फा कार्बन के प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है और गामा कार्बन के प्रोटॉन से जुड़ा हुआ है। अल्फा कार्बन पे दो प्रोटॉन, गामा कार्बन पे तीन प्रोटॉन, मींस 3+2 5, एन प्लस वन रूल लगाएंगे तो एन की वैल्यू है 5 और प्लस 1 6, CH2 का जो भी सिग्नल होगा वो 6 पार्ट में स्प्लिटेड होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, दिस स्प्लिटिंग पैटर्न विल बी रिलेटेड विद दिस CH2। और इस CH2 की अगर हम बात करें तो इसके नेबर में CH2 दो प्रोटॉन, एन प्लस वन रूल अप्लाई करेंगे तो इसका सिग्नल 3 पार्ट में स्प्लिटेड होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 3 पार्ट में स्प्लिटेड सिग्नल। अब हम इन जनरल अगर इन सिग्नल्स की बात करें तो ये सिग्नल इतने ज्यादा मैच्ड हो जाते हैं कि फिर वो स्पेक्ट्रा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, वी आर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई व्हिच सिग्नल बिलोंग्स टू व्हिच ऑफ द फ्रेगमेंट। तो ऐसे स्पेक्ट्रा को सिंपलीफाई करने के लिए हम डीकपलिंग टेक्निक को यूटिलाइज करते हैं। तो एनएमआर डीकपलिंग टेक्निक में बेसिकली होता क्या है, हम नॉर्मल एक्सपेरिमेंट के साथ साथ अपने सैंपल में उस पर्टिकुलर प्रोटॉन से एसोसिएटेड फ्रीक्वेंसी को एक्स्ट्रा फ्लो कराना स्टार्ट करते हैं। इस वजह से जिस प्रोटॉन के एनर्जी से एक्सटर्नल रेडियो फ्रीक्वेंसी मैच करती है वो उसके को कपल कर रोक लेता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने इस CH2 से एसोसिएटेड मॉलिक्यूल का रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम को फ्लो कराया तो ये CH2 से एसोसिएटेड जो भी कपलिंग है वो ब्लॉक हो जाएगा, यहाँ पे आपको कोई सिग्नल नहीं मिलेगा, दैट स्प्लिटिंग पैटर्न विल बी ब्लॉक्ड, मींस CH2 अब इस CH2 CH3 से इंटरेक्ट करना बंद कर देगा। तो हमारे पास अब सिस्टम क्या बच गया, CH2 CH3, तो CH3 की वजह से ट्रिपलेट हमें मिलेगा, CH2 की वजह से जो हमें इनिशियली सेक्सटेट मिल रहा था, क्यों, क्योंकि ये CH2 भी कपलिंग कंडीशन में था, वो अब सेक्सटेट ना मिलकर के क्वार्टरेट कंडीशन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इस बीटा कार्बन के CH2 से कपलिंग अब खत्म हो गई। जब इसके साथ इसका इंटरेक्शन खत्म तो CH2 पे केवल इस प्रोटॉन का इफेक्ट होगा, तो नेबरिंग कार्बन पे 3 प्रोटॉन, 3+1 4, तो अब CH2 का हमें 4 प्रोटॉन सिग्नल, 4 स्प्लिटेड पैटर्न मिलेगा, CH3 का 3 स्प्लिटेड पैटर्न होगा, तो ऊपर के स्पेक्ट्रा के कंपैरिजन में ये स्पेक्ट्रा सिंपलीफाइड होगा। सो फॉर सिंपलीफाइंग द स्पेक्ट्रा वी यूज डीकपलिंग टेक्निक। अगर मान के चलिए हमने रेडियो फ्रीक्वेंसी से इस CH2 को कपलिंग को ब्लॉक कर दिया तो ऐसे केस में क्या होगा, ये CH2 इसके साथ कपल नहीं कर पाएगा,
ना तो इधर कोई प्रोटॉन है ना तो इस साइड में कोई प्रोटॉन है, जब लेफ्ट राइट में कोई प्रोटॉन नहीं है तो इसका सिंगलेट मिलेगा, सिंगलेट मिल रहा आपको। सिमिलरली इसकी अगर हम बात करें तो इसके लेफ्ट साइड में जो प्रोटॉन था उसको डीकपलिंग से हमने ब्लॉक कर दिया, तो अब इस प्रोटॉन की CH3 की किसी भी प्रोटॉन के साथ कपलिंग नहीं होगी, ये भी क्या देगा, सिंगलेट देगा। तो दिस स्पेक्ट्रा इज फर्दर लिटिल बिट मोर सिंपलीफाइड। अगेन अगर हम इस CH3 को डीकपल कर देते हैं तो इस CH2 की वजह से हमें ट्रिपलेट मिलेगा और इस CH2 की वजह से हमें ट्रिपलेट मिलेगा। तो विद हेल्प ऑफ डीकपलिंग एक्सपेरिमेंट वी कैन सिंपलीफाई द स्प्लिटिंग पैटर्न बिहेवियर एंड लेसर नंबर ऑफ पीक विल बी ऑब्जर्व। और किस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट को आपने डीकपलिंग से ब्लॉक किया है उसके बेसिस पे आप फर्दर स्प्लिटिंग पैटर्न को एनालाइज करके ये बता सकते हैं कि चेन में जो फर्दर एटम्स हैं वो किस तरह के हैं। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ डीकपलिंग, दैट हाउ इट सिंपलीफाइज द एनएमआर स्पेक्ट्रम। तो अभी मैंने जो आपको बताया वो हाइपोथेटिकल स्पेक्ट्रा था, यहाँ पे आप देखिए रियल स्पेक्ट्रा कंडीशन आपको दिख रही है। ये कंपाउंड जो यहाँ पे आप देख रहे हैं विनाइल एसिटेट, इस विनाइल एसिटेट में अगर हम डिफरेंट हाइड्रोजन्स की बात करें तो एल्कीन ग्रुप से एसोसिएटेड इसके पास थ्री डिफरेंट एनवायरनमेंट में प्रोटॉन्स हैं। दिस इज प्रोटॉन ए, दिस इज प्रोटॉन बी एंड दिस इज प्रोटॉन सी। तो इस प्रोटॉन के लिए ये दोनों डिफरेंट एनवायरनमेंट में हैं, एन प्लस वन रूल आप लगाएंगे तो इसकी वजह से हमें डबलेट मिलेगा, एक प्रोटॉन है एन प्लस वन मींस टू, इसकी वजह से हमें एक डबलेट मिलेगा, तो प्रोटॉन होगा वो टू डबलेट्स में। इसी तरह बी की जब हम बात करेंगे तो इसकी वजह से जो सिग्नल हमें मिलेगा वो इस तरह से टू डबलेट्स में स्प्लिट होगा। सी की जब हम बात करेंगे तो इस तरह से ये जितने भी स्पेक्ट्रा आप देख रहे हैं दे हैविंग अ मिनिमम ऑफ फोर पीक्स इन द फॉर्म ऑफ देयर डबलेट्स। जनरली जब हम एलाइल ब्रोमाइड का स्पेक्ट्रा लेते हैं एनएमआर स्पेक्ट्रा, तो एलाइल ब्रोमाइड का एनएमआर स्पेक्ट्रा कुछ इस तरह से आपको मिलता है। नाउ बाय सीइंग दिस स्पेक्ट्रा यू आर नॉट बीन एबल टू इंटरप्रेट व्हाट वी डू, कोई भी पीक इसमें क्लियर नहीं है कि किसको हम किसका स्प्लिटिंग पैटर्न मान करके चले। तो अल्टरनेट मेथड क्या है कि आप किसी तरह से इस CH2 को जो कि है ब्लॉक कीजिए विद द हेल्प ऑफ डीकपलिंग। तो जैसे ही आप इस CH2 को डीकपलिंग के थ्रू ब्लॉक कर देंगे इसका जो स्पेक्ट्रा है वो कैसा हो जाएगा, इस विनाइल डबल बॉन्ड के कार्बन के पास दो हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ दो हाइड्रोजन, नेबर कार्बन के पास सिंगल हाइड्रोजन और ये ब्लॉक रीजन CH2 को हमने डीकपलिंग से ब्लॉक कर दिया। तो जैसे ही डीकपलिंग से आप CH2 को ब्लॉक करेंगे ये जो स्पेक्ट्रा डेवलप होगा दिस इज जस्ट सिमिलर टू स्पेक्ट्रा यू फाउंड हियर। तो अगर इस पैटर्न का स्पेक्ट्रा आपको एनएमआर में मिल रहा है यहां यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड पैटर्न, फिर 2-2 के डबलेट के फॉर्म में, फिर उसके बाद 2-2 के डबलेट के फॉर्म में, तो ये पैटर्न क्लियर कट बता रहा है कि जैसे ही आपने इस CH2 को ब्लॉक किया आपको NMR पे ये पैटर्न दिखा एंड दिस पैटर्न विल इंडिकेट द मॉलिक्यूल इज प्रेजेंट इन एलाइलिक कंडीशन। तो किसी भी पर्टिकुलर स्पेक्ट्रा को NMR स्पेक्ट्रा को सिंपलीफाई करना है तो हम डीकपलिंग टेस्ट यूटिलाइज करते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू द डिटेल ऑफ इंस्ट्रूमेंट, C13 NMR पे हम आते हैं। यस, तो C13 NMR के कुछ जो फंडामेंटल्स हैं वो मैं आपको बता दूं। C12 जो नॉर्मल आइसोटोप है नेचर में कार्बन का उसका कोई भी NMR हमें नहीं मिलता है, क्यों, क्योंकि मास नंबर और एटॉमिक नंबर दोनों ही C12 के लिए फॉलो करते हैं रूल को, और मास नंबर और एटॉमिक नंबर इवन होने की वजह से जो स्पिन क्वांटम नंबर आई है वो जीरो हो जाए। C12 का हमें कोई भी स्पेक्ट्रा नहीं मिलेगा, हमें
13 का ही NMR स्पेक्ट्रम मिलता है। जिस तरह से स्प्लिटिंग पैटर्न हमने प्रोटॉन के केस में देखी थी, उस तरह का पैटर्न हमें NMR में भी दिखता है, लेकिन NMR में चूंकि सिग्नल कम फ्रीक्वेंसी पे रिजोनेट करते हैं, मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाया था कि 1.4 टेस्ला के लिए हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये कम एनर्जी पे ही अपना रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं। तो कार्बन का जो भी स्पेक्ट्रा है, जो यूजुअल स्पेक्ट्रा है, वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको सिंप्लीफाइड करने के लिए कार्बन का स्पेक्ट्रा इन जनरल डीकपलिंग के साथ प्रोड्यूस किया जाता है। तो जब भी हम कार्बन के स्पेक्ट्रा को डीकपल्ड कर देते हैं, सिंगल लाइंस के फॉर्म में हमारे पास कार्बन के पीक्स मिलते हैं। सेकेंड थिंग, जो कार्बन का स्पेक्ट्रा है वो बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस पे स्प्रेड होता है। जैसे जितने आपने देखा 0 टू 12 के बीच में, 0 टू 12 ppm पे हमने सभी कंपाउंड्स के प्रोटॉन को प्लॉट कर दिया था। कि कार्बन से एसोसिएटेड स्पेक्ट्रा जब आप देखेंगे तो 0 टू 300 ppm, 400 ppm एंड 500 ppm रेंज तक ये जाते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस हैं कार्बन स्पेक्ट्रा में और 1H स्पेक्ट्रा के केस में। अगर किसी पर्टिकुलर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको एस्टैब्लिश करना है और आप किसी कंपाउंड को आइसोलेट कर रहे हैं, तो क्या स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, उस चीज को पहले आप समझ लीजिए। यहाँ पे प्योर कंपाउंड आपने आइसोलेट कर लिया है, उसका आपको मास स्पेक्ट्रा और NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना होगा। यूवी और IR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल के थ्रू आपको फंक्शन की इंफॉर्मेशन मिलेगी। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपिक टूल के थ्रू आपको सब स्ट्रक्चर मिलता है और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपिक थ्रू के थ्रू 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर आपको लग जाता है। कैटेगरीज को जब हम मिला देते हैं तो हमारे पास अनसैचुरेशन नंबर आ जाता है, जिससे हम नोन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को डेवलप कर पाते हैं। और इस नोन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के साथ जब 2D NMR को हम मिक्स करते हैं, तब हमारे पास फाइनल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर डेवलप होकर के मिल पाता है। और प्रैक्टिकल लैब में हम सिंथेसिस करके उस कंपाउंड को 3D फॉर्म में जनरेट कर पाते हैं। सो दिस इज द एक्चुअल फ्रेमवर्क हाउ टू डेवलप अ पर्टिकुलर रिसर्च ऑब्जेक्टिव if you would like to analyze the structure of a compound. अभी हमने जो बात की वो प्रोटॉन NMR पे चल रही थी, अब C13 NMR पे कौन कौन सी टेक्निक है उसके बारे में थोड़ा यहाँ पे फोकस करेंगे। तो C13 NMR में दो इम्पोर्टेंट टेक्निक होती है, एक को हम कहते हैं APT टेक्निक और दूसरे को हम कहते हैं डेप्थ टेक्निक। APT टेक्निक मींस अटैच्ड प्रोटॉन ट्रांसफर टेक्निक, एंड दिस इज डिस्टॉर्शन लेस एनहांसमेंट ऑफ पोलराइजेशन ट्रांसफर। APT टेक्निक है हमारे पास, डेप्थ टेक्निक है। APT टेक्निक ओल्डर टेक्निक है, जिसके थ्रू हम जब कोई स्पेक्ट्रा डेवलप करते हैं तो CH और CH3 से एसोसिएटेड जो सिग्नल्स होते हैं वो पॉजिटिव डायरेक्शन में मिलते हैं, मींस वाई एक्सिस डायरेक्शन में मिलेंगे। और कार्बन और CH2 से रिलेटेड, कार्बन मींस क्वार्टरनरी कार्बन जिस पे कोई भी प्रोटॉन नहीं, इनसे एसोसिएटेड सिग्नल जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे आप ये डेप्थ और APT स्पेक्ट्रा देख रहे हैं किसका, इथाइल बेंजीन का। तो अगर मैं इथाइल बेंजीन के स्ट्रक्चर की बात करूं, दिस इज वेरी मच सिंपलर, C6H5 CH2 CH3। तो अगर इथाइल बेंजीन के स्ट्रक्चर की हम बात करें तो वहां पे बेंजीन के न्यूक्लियस में CH के फॉर्म में 5 प्रोटॉन्स हैं, तो उसका सिग्नल पॉजिटिव मिलना चाहिए। ये सिग्नल आप देख रहे हैं CH से एसोसिएटेड 5 प्रोटॉन का। सिमिलरली उसके स्ट्रक्चर में क्या है, C6H5 CH2 CH3 CH3 भी है, तो CH3 का सिग्नल जो है वो आप अपवर्ड डायरेक्शन में देख रहे हैं। बेंजीन न्यूक्लियस के जिस पार्ट से CH2 CH3 फ्रेगमेंट अटैच है वो कैसा है, क्वार्टरनरी कार्बन, उससे एसोसिएटेड पीक ये डाउनवर्ड पोजीशन पे आप देख रहे हैं, और CH2 से अटैच्ड पीक ये भी डाउनवर्ड पोजीशन पे आप देख रहे हैं।
मींस डाउनवर्ड पोजीशन पे जो पीक आपको दिख रही है क्वार्टरनरी कार्बन CH2, अपवर्ड पोजीशन पे जो पीक दिख रही है ये रीजन है मींस एसोसिएटेड कार्बन का, ये ग्रुप से एसोसिएटेड ये जो पर्टिकुलर कार्बन आपको दिख रहा है थ्री एसोसिएटेड कार्बन एंड दिस इज द सिग्नल ऑफ PMS। तो डायरेक्टली स्पेक्ट्रा को देख करके आप बता सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में कितने एरोमेटिक CH प्रेजेंट हैं, कितने CH2 प्रेजेंट हैं, कितने CH3 प्रेजेंट हैं और कितने CH प्रेजेंट हैं। जब ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो आप टेंटेटिव उस स्ट्रक्चर को डेवलप कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम देखें दिस इज डेप्थ 45। डेप्थ 45 में क्या होता है, दिस इज डिग्री 45 डिग्री 90 डिग्री एंड 135 डिग्री। जब हम डेप्थ 45 डिग्री का स्पेक्ट्रा लेते हैं किसी कंपाउंड के लिए तो ऑल प्रोटोनेटेड कार्बन्स एक्सेप्ट क्वार्टरनरी, यहाँ पे जितने भी प्रोटोनेटेड कार्बन आपको दिखेंगे उन सभी के सिग्नल दिखेंगे, लेकिन जिस कार्बन पे कोई भी प्रोटॉन नहीं होगा दैट कार्बन इज कॉल्ड क्वार्टरनरी। तो ऐसे कार्बन जिस पे कोई भी प्रोटॉन नहीं होंगे उसे हम कहेंगे क्वार्टरनरी। क्वार्टरनरी कार्बन का कोई सिग्नल नहीं दिखेगा, बाकी सभी सिग्नल आपको दिखेंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो कि है इथाइल बेंजीन में एक क्वार्टरनरी कार्बन है उसका सिग्नल यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, जैसे यहाँ पे आपको सी का सिग्नल इस लोकेशन पे दिख रहा था, यहाँ पे देखिए इस बेंजीन के सिग्नल के बाद कोई भी सिग्नल नहीं दिख रहा। इट मींस दैट कार्बन विच यू फाइंड इन EPT एट दिस लोकेशन इज द सिग्नल फॉर क्वार्टरनरी कार्बन। तो आपको यहाँ पे कोई भी क्वार्टरनरी कार्बन का सिग्नल डेप्थ 90 की बात करें अगर हम, तो डेप्थ 90 पे केवल वो सिग्नल हमें ऑब्जर्व होते हुए दिखते हैं जो केवल CH से बने, मींस जिस कार्बन पे सिंगल प्रोटॉन होगा केवल उसका सिग्नल ही आपको दिखेगा। तो इथाइल बेंजीन के केस में आपको पता है कि बेंजीन न्यूक्लियस ऐसा है जिसके पास CH है, तो यहाँ पे केवल बेंजीन न्यूक्लियस का सिग्नल आपको दिखेगा, ना तो CH2 से एसोसिएटेड कोई पीक दिखेगी ना तो CH3 से एसोसिएटेड कोई पीक दिखेगी। इसी तरह डेप्थ 135 की हम बात करें, डेप्थ 135 के सिग्नल की अगर हम बात करें तो CH3 और CH के पॉजिटिव सिग्नल दिखते हैं हमें, ये CH से एसोसिएटेड सिग्नल और ये CH3 से एसोसिएटेड सिग्नल, और CH2 से एसोसिएटेड जो सिग्नल होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें दिखता है। डेप्थ 135 से हम क्लियर कट ये बता सकते हैं कि आपके मॉलिक्यूल में कितने CH2 एटम्स प्रेजेंट हैं। इस तरह से EPT और डेप्थ के इंफॉर्मेशन के बेस पे हम किसी भी मॉलिक्यूल का एक टेंटेटिव स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखें एक जनरल प्रॉब्लम सॉल्व करें किस तरह से हम डेप्थ के स्पेक्ट्रा के बेसिस पे हम मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को असाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं डेप्थ NMR का स्पेक्ट्रा, ये सिंपल 1D NMR है जिसमें आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 पीक्स यहाँ पे जो ये दिख रहे हैं। डेप्थ 90 में एक सिग्नल आपको अपवर्ड डायरेक्शन में दिख रहा है, डेप्थ 135 में एक सिग्नल अपवर्ड है और इन चारों में से एक सिग्नल डाउनवर्ड है। स्पेक्ट्रा के बेसिस पे आपको असाइन करना है कंपाउंड ABCDE, विच वन इज द कंपाउंड विच शोज सच काइंड ऑफ स्पेक्ट्रा। अब आप यहाँ पे देखिए जो कि है इस पर्टिकुलर सेंस में आपके कंपाउंड के पास एक CH होना चाहिए क्योंकि इस स्पेक्ट्रा में ये पीक ऑब्जर्व नहीं हो रही है, एक CH2 होना चाहिए क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन